हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, धर्म आदेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का माह कैसा जाएगा। होली का पावन पर्व इसी माह में आ रहा है और आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना का पर्व भी इसी माह में आ रहा है, तो कैसा रहेगा आपके लिए मार्च का माह। मन मयूर नृत्य करेगा या नहीं करेगा, तो वीडियो आरम्भ करें इसके पहले विनम्र अनुरोध है आपसे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो विनम्र अनुरोध के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे, बाद में किसको याद रहता है जी, तो कर लीजिए। पहले बात करेंगे आपके सेहत पे, धन पे, पराक्रम कहाँ कर रहे हैं, भूमि भवन वाहन की क्या स्थिति बनेगी, ऋण रोग तो नहीं है, एजुकेशन कैसा रहेगा, प्रेम की क्या स्थिति रहेगी, दाम्पत्य जीवन में क्या स्थिति बन रही है, कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं आ रही है, भाग्य कितना सपोर्ट कर रहा है, कर्म पथ पे क्या है, खर्च कहाँ कर रहे हैं, इतनी बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य की बात करेंगे। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपके लगन के जो स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं वो उच्च के हैं। 12 मार्च के बाद ये मेष में प्रवेश करेंगे, तो 12 मार्च तक आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा है, थ्रू आउट इंजॉय के साथ बढ़ रहे हैं, आपके कामनाओं की पूर्ति हो रही है। 12 मार्च से ये चले जाएंगे आपके मेष राशि में, अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र में थोड़ा सा आपसे भाग दौड़ ज़्यादा करवाएंगे, हो सकता है बेवजह की भाग दौड़ करनी पड़े, ऐसा भी हो सकता है बेवजह की भाग दौड़ आपको करनी पड़ सकती है। भाग दौड़ में ध्यान रखिएगा पैर में किसी तरह की चोट ना लगे, ठीक है ना, पैर में चोट भी लग सकती है, तो भाग दौड़ करते समय ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे और भरणी नक्षत्र में जाएंगे तो भाग दौड़ कम हो जाएगी, आपको स्थायित्व प्राप्त होगा, आपके कामों में गति आएगी, सेहत भी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। और अंत में ये कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, कृतिका बहुत फास्ट नक्षत्र है, तो डिसीजन बहुत फास्ट या गति ज़्यादा फास्ट ना करें। पता लगा आप चल रहे हैं, पड़ोस वाला आपके बगल से बाइक लेके निकला और हल्के से मुस्कुरा के देखेगा और आप तुरंत आपका गियर भी बदलेगा और एक्सीलेटर जितना हो सकता है उतना उठा लेंगे और उसमें ले जाके कहीं भिड़ जाएंगे, पैर में लग जाएगी चोट, तो सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। दूसरा पॉइंट, यहीं पे राहु महाराज चल रहे हैं, राहु महाराज भी अश्विनी नक्षत्र में चतुर्थ चरण से आरंभ कर चुके हैं, ऊपर आएंगे वो, तो राहु भी क्योंकि आपके लगन में मंगल महाराज की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, वृषभ राशि वृषभ लगन में मंगल जो है मार्केस हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं और ये व्यय करा रहे हैं, पैरों में चोट दे रहे हैं, और केतु का नक्षत्र चल रहा है तो राहु केतु के नक्षत्र में जाके केतु जैसा एक्टिविटी करेगा। आप खुद गिरने के लिए हैं, एक आदमी आपको धक्का देने के लिए खड़ा है और आप खुद अपने छत के लास्ट पॉइंट पे खड़े हैं, तो कोई भी हल्के से आपको धक्का देगा ना, आप गिर जाओगे। तो शुक्र भी ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं और राहु को मौका मिलेगा तो राहु धक्का देगा, गाड़ी से ही दुर्घटना होगी, पैर में चोट लगेगी, तो सावधानी श्रेयस्कर है दुर्घटना की अपेक्षा। क्या करें, शुक्र के मंत्रों का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। लाल रंग के कपड़ों का परहेज करें, लाल रंग की अगर आपके पास गाड़ी है तो भी ना चलाएं, हेलमेट अवश्य पहन के रखें, हेलमेट पहन के रखने से बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा, ज़्यादा स्थिति खराब नहीं हो रही, थोड़ा सा ध्यान देना है। आपकी कुंडली में धनात्मक स्थिति कैसे रहेगी, धन इस माह कहाँ कब कैसे मिलने वाला है, तो धन की स्थिति देखें तो 16 मार्च को बुध महाराज मीन में प्रवेश करेंगे, उसके पहले ये आपके कुंडली में कुंभ में है, कुंभ पंचमेश और धनेश दोनों कर्मा भाव में हैं, तो कर्म भाव पे दोनों का फोकस रहेगा, कर्म से धन की प्राप्ति। इसके बाद ये आपके कुंडली में पूरा 30 मार्च तक यहीं पे रहेंगे, 31 मार्च को मेष में जाएंगे, तो यहाँ पे अच्छा 31 मार्च को मेष में जाएंगे, 16 मार्च तक मीन में हैं, 16 मार्च से 16 मार्च को मीन में प्रवेश कर रहे हैं, सॉरी 16 मार्च को मीन में प्रवेश कर रहे हैं और 31 मार्च को मेष में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे जो स्थिति बनेगी ना 16 मार्च के बाद, अब यहाँ पे जो स्थिति बन रही है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मीन में क्या है,
मीन में तीन नक्षत्र चल रहे हैं और मीन में बुध को जो है नीचता प्राप्त होती है, लेकिन गुरु यहीं पे विद्यमान है। कौन विद्यमान है? गुरु महाराज। जब गुरु यहाँ विद्यमान है तो फिर गलती नहीं होने देंगे, नीच भंगराज को कन्वर्ट कर देंगे। और मजे की बात यह है कि गुरु भी इस समय बुध के ही नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, धनदायक नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ फल मिलने वाला है, अवसर आपको मिलेगा। यदि आप अवसर को भुनाना आपको आया तो एक बेहतरीन फल आपको आय के लिए, पैसा कमाने के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए बुध महाराज देने वाले हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं मिलेगा, मैं नीच का हो रहा हूँ, तुम उसको उच्च का बदल सकते हो। आपके अंदर क्षमता है गिरी हुई चीज़ों को उठा लेने की, दौड़ते दौड़ते गिर पड़े फिर से खड़े होकर दौड़ जाने की, तब तो ये उच्चता आपकी कुंडली में साबित होगी, नहीं साबित नहीं होगी। तो वृषभ राशि, वृषभ लगन जो कि कर्म की लगन है, मेहनत की लगन है, मेहनत की राशि है, अगर आप इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं तो आपके अंदर उच्चता आ जाएगी, आप दो गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। स्थिति श्रेष्ठकर है, बुध के मंत्रों का जाप, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, पंछियों को चारा डालना श्रेयस्कर रहेगा, श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा आपकी कुंडली में। सूर्य नारायण आपके भूमि भवन वाहन माता सुख के स्वामी हैं, और जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे में सूर्य नारायण आपके सप्तम, अपने से सप्तम कर्माभाव में गोचर कर रहे हैं, तो सुखे इसका कर्माभाव में गोचर शनि के साथ, शनिदेव के साथ, शनिदेव के साथ गोचर श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। देखिए यहाँ पे शनिदेव को कुछ समय के लिए सूर्य नारायण अस्त भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में होता है ना तो दूसरे ग्रह का ज़्यादा प्रभाव लेता नहीं, ज़्यादा दबाव नहीं मानता। सूर्य नारायण को चूंकि सुख देना है तो कर्म वाले से दोस्ती करेंगे ना, कर्म से दोस्ती करोगे तभी तो सुख मिलेगा, ऐसे सुख थोड़ी ना मिलेगा। तो यहाँ पे वो फ्रेंडली हो जाएंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, दुश्मनी फिर निकाल लेंगे, लड़ाई फिर कर लेंगे, अभी चलो दोस्ती के रूप में चलते हैं। 15 मार्च के बाद सूर्य नारायण मीन में जाएंगे, 15 मार्च के बाद मीन में जाते ही अपने से क्या हो जाएंगे, अष्टम हो जाएंगे। माँ के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, लाभ तो हो रहा है पिता से, लाभ हो रहा है सरकार से, लेकिन अपने से अष्टम जब कोई ग्रह जाता है ना तो परेशानी देता है। शिव शिव, अपने से आठवां परेशानी देने का है, तो ध्यान रखिएगा। सूर्य नारायण की स्तुति करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाले होगी। इसके पश्चात मंगल महाराज, मंगल महाराज आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, और बिना व्यापार के पैसा आता नहीं। ये कुंडली में आपके स्टार्टिंग में लगन में गोचर कर रहे हैं और ये मार्च में आपके जैसे देख रहे हैं तो ये द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव धन का भाव है, द्वितीय भाव किसका है, धन का भाव है। 13 मार्च को मिथुन में प्रवेश करेंगे, 13 मार्च तक आपके लगन में ही हैं, तो अच्छा आपके लिए है कि मृगशिरा में लगन में भी चल रहे हैं और मृगशिरा में द्वितीय भाव में जाएंगे। मृगशिरा मतलब मंगल का अपना नक्षत्र, थोड़ी सी चंचलता बढ़ेगी, जीवन साथी की भी चंचलता बढ़ेगी, जीवन साथी के लिए चंचलता बढ़ेगी, जीवन साथी की चंचलता बढ़ेगी, जीवन साथी के लिए चंचलता बढ़ेगी। और शुक्र भी आपके उच्च के हो रहे हैं, द्वादश में जाएंगे, तो देखिएगा कहीं कुछ ज़्यादा चंचलता ना बढ़े जो परेशानी का सबब बने। तो जब तक ये मृगशिरा में है आपके लिए अच्छा है, आर्द्रा में जाएंगे तो सावधानी आवश्यक है। फिर भी अपने से अष्टम है, सूर्य नारायण भी अष्टम और सप्तमेश भी अपने से अष्टम, दो दो ग्रह जब अष्टम हो जाए ना तो एक बार रुकना चाहिए, सावधान होना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए कल्याणकारी होगा, इसलिए जरूर करिएगा, हल्के मत लीजिएगा, दुर्घटना से देर भले। गुरु देव आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में वो बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अतः वो आपको धनदायक स्थिति में लाएंगे, क्योंकि रेवती धनदायक नक्षत्र है और गुरु को पता है कि अब हमें यहाँ पे 12 वर्ष नहीं आना है, 12 साल बाद ही वापस आएंगे। तो जब कोई व्यक्ति बहुत दिन के लिए जा रहा हो, जैसे आप कहीं दूर देश में नौकरी करते हैं, अपने देश में आते हैं, जब आप जाने लगते हैं ना तो लगता है क्या कि अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, अपने जो करीबी लोग हैं उनको दे के जाऊँ। आप पैसे दे के जाते हैं, लास्ट में बोलते हैं ले यार भाई 500 रुपये और रख ले यार, ठीक है ना, ये गिफ्ट बच्चों के लिए ले ले।
तो देने की स्थिति होती है। तो गुरु यहाँ पे हर तरह से आपको अधिक से अधिक मात्रा में देना चाहते हैं, वो देकर ही जाएंगे, वो अपने पास कुछ बचाना नहीं चाहते, सब कुछ आपको देकर जाने की स्थिति में वो अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं। बस आप लेने की कंडीशन में आ जाइए, गुरु महाराज आपको दे देंगे। शनिदेव, शनिदेव महाराज धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और ये 14 मार्च को सतविषा नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं। 14 मार्च को 11:40 पे सतविषा नक्षत्र, सतविषा नक्षत्र मतलब 100 डॉक्टरों की एनर्जी वाला नक्षत्र, यहाँ पे आपको हर तरह से लाभ देंगे, हर तरह से लाभ देंगे, लाभ की आपको कमी नहीं है। पिता से लाभ, सरकार से लाभ, सरकारी पद में लाभ। तो यदि आप इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या फॉर्म डाल रहे हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। राहु द्वादश में है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, शेष आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। लग्नेश को मजबूत करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा।